ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के वैद्य जी, सुप्रसिद्ध वैद्य जी दीपक कुमार जी। तो दर्शकों, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, कई विषयों पर भी बात की, और हम लोग आपको बता रहे हैं कि यदि आप भी अपने जीवन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ट्रीटमेंट आपको कहीं नहीं अवेलेबल। और साथ ही साथ आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर अभी के अभी कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यदि आप अभी इस दौरान हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फ़ोन कॉल नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारे व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया की डिटेल्स जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वैद्य जी, अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, तो जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह है जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ जी। आप अपना सवाल पूछें। सर, मेरे को ये हो रहा कि हाथ पतला हो गया। कब से है दिक्कत? और ये हो गया 7-8 महीने से हो गया। आपकी इंद्रिय छोटी होती जा रही है। ठीक, आपकी उम्र कितनी है? वही 42। आपको बीपी या शुगर की शिकायत तो नहीं है? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो? नहीं, उतना कुछ नहीं। और आपका भोजन नियत समय पर है? हाँ। और कोई दिक्कत? थोड़ा पेट का प्रॉब्लम। ठीक, पेट साफ रहता है या नहीं? ऐसे तो 24 घंटा निरंतर लेटिंग करते हैं, ऐसे साफ ही रहता है। ठीक, कोई बात नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा तनाव से हम खाने पीने में समय ध्यान ना दे करके, या पोषक तत्वों का हमारे भोजन में अभाव होने से, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, नींद प्रॉपर ना लेने से, इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है। आप परेशान ना हो, आप 2 गोली नवशक्ति वटी और 2 गोली वाइल्ड यूनिकॉर्न दिन में 2 बार सुबह शाम, और साथ में 1-1 चम्मच आंवलों से बना, जिसके अंदर बंसलोचन है, अश्वगंधा है, शतावर है, दशमूल है, मिश्री है, आप रसायन इनके द्वारा निर्मित रसायन प्राश, आप इन तीनों को 2 बार दूध के साथ सेवन करें। 2 गोली नवशक्ति, 2 गोली वाइल्ड यूनिकॉर्न और 1 चम्मच रसायन प्राश दूध के साथ सेवन करें। और साथ में आप तत्व पावर, हमारे यहाँ एक तेल बनता है इंद्री पे लगाने के लिए, आप इसको प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रही बात गैस कोष्ठ शुद्धि की, आप 1 चम्मच रात्रि में प्रतिदिन प्रवाही का चूर्ण सेवन करें, और आप 2 छुहारे ले लें और उसको दूध में खूब पका लें, और पकाकर गुनगुना, जब गरम गरम हो आप उसको सेवन करें, गुठली निकाल करके छुहारे चबा लें और दूध पी लें। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और आप अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और ये जो आपकी समस्या है इसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ, यदि आप कर लें तो। बरगद का पेड़, बड़ जिसको बोलते हैं, हर जगह उपलब्ध है। यदि आप 1 पत्ता तोड़ें तो उसमें से 1 बूंद दूध निकलेगा, उसको बताशे में रखकर खा लें। दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, इसको 21 बूंद तक बढ़ाएं, और 21 बूंद के बाद धीरे धीरे अवरोही क्रम में घटा करके 1 पर लाकर बंद कर दें। ये 1.5 महीने का प्रयोग है, 40-42 दिन का। आपको इस प्रयोग से भी बहुत लाभ मिलेगा। और खाने में आप मिर्च मसाले, तले पदार्थ, नॉनवेज, शराब इत्यादि का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा। दूध, उड़द, पौष्टिक पदार्थ, इनको ज़्यादा सेवन करें। और आयुर्वेद में कहा भी है, दूध, दही और शाक, फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर, हलवा, घृत, शहद रख के स्वस्थ शरीर, आप इनको प्रयोग में लें, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आपने इलाज इनको बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परहेज भी बताया, सावधानियां भी बताई, ऐसे ही आपके एक पेशेंट है देहरादून से, उनसे जो है हमारी टीम ने बात की है, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरह की उनको बीमारी थी, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी हद तक ठीक है, तो सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने जी। मेरा नाम डिम्पल शर्मा है, मैं देहरादून पटेल नगर से आई हूँ।
और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कभी लून मोशन, कभी पेट में दर्द, कभी उल्टियाँ लगे रहना। हम घर में अपनी जैसे घर की दवाइयाँ ले लेते हैं, किचन में होती हैं कई दवाइयाँ तो ले लेते हैं, वो लेके चलते रहे कि हाँ हो जाएगा ठीक, जैसे कभी अजवाइन कभी कुछ पका के काढ़ा वगैरह बनाना। और फिर ज़्यादा ही बढ़ता गया उनकी ये प्रॉब्लम कि लूज मोशन होते रहे। फिर हमें यहाँ हरिद्वार में वैद्य जी का मालूम हुआ किसी से, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर रही हुई भी थी और उनको इनका मालूम भी था कि हाँ भाई वैद्य जी अच्छे वैद्य हैं। तो इन मैं यहाँ पर लेकर आई उनको, तो 3 महीने से उनका इलाज चल रहा है, यहाँ पर दवाई ले रही हैं, अब उनको काफ़ी आराम है इससे। वैजी ये थी देहरादून से डिंपल शर्मा, जिनकी मदर को ये प्रॉब्लम थी कि इनको लूज़ मोशन होते थे काफ़ी टाइम से, इनके पेट में दर्द होता था, उल्टियाँ भी होने लगी थी। तो ये जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनको अपना रही थी, लेकिन समस्या बढ़ गई थी। फिर हॉस्पिटल में इन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने इनको बताया कि इनकी यूरिनरी स्पेस में जो है वो कैंसर की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो लेकिन जब आपके ये संपर्क में आए तो कुछ टाइम के बाद ही जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। तो किस तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आंचल जी, मैं देख रहा हूँ कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले बड़े शहरों में होती थी, फिर छोटे शहरों में, अब गांव-गांव में, गलियों-गलियों में इस बीमारी ने अपना पैर पसार लिया। और बॉडी में किसी भी पार्ट में अनियंत्रित ग्रोथ, जिसको कहते हैं कैंसर, और यह बीमारी ऐसी है जो तन से, मन से और धन से, तीनों से बहुत बुरी तरह तोड़ती है। और जब ये बीमारी होती है तो परिवार पूरा बहुत बुरी तरह से दिक्कत में आ जाता है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। इस बीमारी में मांस परायण पुरुष के आमिष अर्दित थाए, मांस पिंड सो अंग में अति ऊंचो वह जाए, अल्प पचे थोड़ा भरे, अल्प जो पीड़ा ताही, कठिन अरम जो दृश्य है, मांसार गुर्द माही। वैसे तो कैंसर 8 प्रकार का है, इनको यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ साथ इनके यूट्रस तक फैल गया था और इनको पेशाब के रास्ते बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहता था और बहुत ज़्यादा इनको लूज मोशन रहते थे। और कैंसर में हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं जो कि आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध दवा है, हीरक भस्म। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र प्रहार से राक्षसों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद में वज्र यानी के हीरा, हीरे की भस्म कैंसर यानी के कर्कटाबुद्र का संहार करती है। मैंने इनको रसमणिक के हीरक भस्म, किलो एसत, प्रवाल पंचामृत मिलाकर एक बार सेवन की कराया। और साथ में हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवा जैसे कि नीम घनवटी, नीम के गुण असीम, नीम घन, शंसमणिवटी जिसको गिलोय घन भी कहते हैं, और साथ में रक्त विकार नाशक, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई। इनकी कोष्ठ शुद्धि ज़्यादा होती थी, इनको लूज रहता था पेट, उसके लिए संग्रहणी नाशक वटी और कांचनार गुगुल दिन में 2 बार 2-2 गोली सेवन कराई। और बिल्व चूर्ण का मैंने इनको 1 चम्मच दिन में 1 बार, ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 बार इनको सेवन के लिए कराया। इनका पेट बंधा, पेट में इनको लाभ मिला। और कैंसर में जो हीरे की भस्म मैंने इनको आपको बताई अभी, उसका प्रयोग से इनको लाभ मिला और आपने देखा अभी ठीक तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। जी बिल्कुल, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि काफ़ी हद तक इनको आराम मिला है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ही एक वो जैसे बोलेंगे संजीवनी बूटी है कि जो मतलब हर चीज़ का जो सल्यूशन है बहुत इजी तरीके से, और उसे अगर गहराई से किया जाए तो काफ़ी हद तक, या मैं तो समझती हूँ कि ये लाइफ टाइम तक के लिए हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। वैजी, क्योंकि समय कम है तो मैं आपसे चलते चलते आपका जो एक चमत्कारिक दोहा जो आप हमेशा हमें सुनाते हैं वो ज़रूर सुनाइए। आचल जी, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। राल, साल का निर्यास, ये राल कहलाता है, जो कि आपने देखा होगा डेड बॉडीज में फूकने के भी काम आता है। और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत ज्वलनशील भी होता है, लेकिन राल हर जगह उपलब्ध है।
और राल का लेपन यदि हम जहाँ दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, सियाटिका हो, वहाँ पर लेपन करें तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। जहाँ दर्द हो अत्यधिक, राल विलेपन श्रेष्ठ, कहा वैद्य ने शेक से मिलता लाभ यथेष्ट। राल का लेपन करने के बाद यदि हम थोड़ी उसकी शिकाई करें तो दर्द से हमको निजात मिलती है। वैजी, आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया, हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कॉलिंग के थ्रू हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि किस किस तरह की जो बीमारियां हैं सबका ट्रीटमेंट जो है उपलब्ध है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। यदि आप भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं आप वैजी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे मिल भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई कॉमर्स सेवा शुरू की है। यदि आप कोई भी दवाई को ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। आप सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।